आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सैप से एसटीसी पे में मनी को कैसे ट्रांसफ़र करें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सैप एप्लीकेशन के थ्रू एसटीसी पे में कैसे मनी ट्रांसफ़र करें, इसके लिए आपको सैप एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे थ्री जो लाइन है इस पर क्लिक करके बिल एंड पेमेंट्स यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो आपका एसटीसी पे का जो सदाद नंबर होता है, जो सदाद नंबर इस तरीके का होगा, जैसे आप यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो एक सदाद नंबर आता है जो इस तरीके से होता है, जिसका बिलर नेम ये होता है 00STC और ये सदाद नंबर, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ सैप एप्लीकेशन में वन टाइम पेमेंट पे क्लिक कीजिए। वन टाइम पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेलीकॉम एंड यूटिलिटीज़ सऊदी टेलीकॉम, और जो ये सदाद नंबर है वो मैंने उसको कॉपी करके रखा हुआ था, ये पेस्ट किया। और जितना अमाउंट आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक आप टैप कीजिए, उसके बाद जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे, उसके बाद कंफर्म, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है यहाँ से आप इसको अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंफर्म पेमेंट कीजिए। एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, अगर सेम इसी मोबाइल में सिम होगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो आपको मैनुअली इसको ऐड करना होगा। ATM में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिना ATM गए भी आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू एसटीसी पे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसटीसी पे के थ्रू आप कहीं भी इंटरनेशनल लोकल जहाँ भी ट्रांसफ़र करना चाहें, ये मेरा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ये दिखा देता हूँ, देखिए पहले जो मेरा अमाउंट था अभी इसमें 500 बचा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।